तो बस फाइनली मैंने देख लिया एक विलन रिटर्न, स्टार कास्टिंग तारा सुतारिया, जॉन इब्राहिम, अर्जुन कपूर और दिशा पठानी। बात करिए फिल्म की तो ये फिल्म है दो कहानी जिसमें एक है हीरो एक है विलन। अब देखना ये है कि इसमें से हीरो कौन है और विलन कौन है। जैसे कि अपने को ट्रेलर में दिखाया था फिल्म भी सेम टू सेम वैसी ही है जो कहानी पे बनी थी। बात करूं मूवी की स्टोरी लाइन पे तो मूवी की स्टोरी लाइन कुछ ऐसे शुरुआत होती है, पार्टी होती रहती है, फिर वहां पे लाइट कट होता है और मर्डर होता है, उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन बढ़ता है, फिर पता चलता है ये काम किसी सीरियल किलर का है। उसके बाद अर्जुन कपूर की एंट्री होती है, उसका 6 महीना पुराना पास दिखाया जाता है। बात करूं पास्ट से तो पास्ट से याद आया मेरे को इस मूवी, पूरी मूवी ही पास्ट के ऊपर बेस है। उसके अंदर पहले 6 महीने पुराना पास दिखाया गया, फिर 3 महीना पुराना पास दिखाया गया। तो बताऊं तो डायरेक्टर ने जैसा प्रेजेंट किया है कि पूरा मूवी ही पास्ट में दिखाया गया कि क्या हुआ था कि बाद में ये अंजाम हुआ। पास्ट से इस मूवी का बहुत पुराना नाता है। बात करो जॉन इब्राहिम और अर्जुन कपूर की, तो अर्जुन कपूर इसके अंदर अमीर बाप के बेटे रहते हैं जो बेहिसाब पैसा उड़ाते हैं। और बात करो जॉन इब्राहिम की, तो जॉन इब्राहिम गरीब रहते हैं, अपना पेट पालने के लिए वो टैक्सी चलाते हैं और जू में रेख देख करते हैं। और बात करो दिशा पटानी की, तो दिशा पटानी मॉल में काम करती है। अब देखना ये है कि दिशा पटानी और जॉन इब्राहिम मिलते कैसे है। बात करो जॉन इब्राहिम और अर्जुन कपूर की, तो ये दोनों को हिट मूवी चाहिए थी जो कि ये मूवी है, मेरे को लगता है कि चलेगी। बट थिएटर के अंदर क्राउड देखने के बाद थोड़ा सा डीमोटिवेट हुआ हूं मैं, क्योंकि ये फिल्म डिजर्व करती है। नाम बॉलीवुड का है और गाना नहीं हो सकता फिल्म में, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको इस फिल्म के अंदर भी 10 मिनट 15 मिनट या फिर 5 मिनट के ही अंदर ही आपको कुछ ना कुछ लिरिक्स सुनने को मिलेंगे। और इसके अंदर एक गाना है तेरा नाम दिल रख दिया, वो सुनने के बाद कसम से मेरा पैसा वसूल हो गया थिएटर में। बहुत अच्छा सॉन्ग है, मेरे को मूवी से तो अच्छा वो गाना लगा। बात करूं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू की, तो ये मूवी को और अच्छा प्रेजेंट कर सकते थे सिनेमाटोग्राफी और एडिटिंग के द्वारा, और जो कि डायरेक्टर ने जैसा प्रेजेंट किया जो पास्ट में ले जाके थोड़ा कंफ्यूज किया व्यूअर्स को, कुछ और तरीके से इस फिल्म को प्रेजेंट करता तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा होता। बट वैसे भी देखा जाए तो ये फिल्म बहुत अच्छी है, देखने लायक है, आप देख सकते हो, वन टाइम शो है। और इसके अंदर जॉन इब्राहिम का आपको सेम लुक देखने को मिलेगा, बट जॉन इब्राहिम है तो एक्शन तो आपको देखने ही मिलेगा, बहुत लाजवाब एक्शन किए हैं। और इसके अंदर आपको अर्जुन कपूर भी एक्शन में देखने को मिलेंगे। तो गाइस वीडियो खत्म हुआ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।